हमें समय दे दो, हम दिखाने के लिए तैयार हैं, मगर ये संधि या फर्स्टिटी इलेक्शन कमीशन ने दी नहीं। 2024 के बाद में एक बहुत बड़ी क्रांति, एक भूचाल आने वाला है भारत की राजनीति में। कोने कोने में ये आवाज गूंज रही है, दुनिया के सैकड़ों कंट्रियों के अंदर में आज यहाँ से आवाज बुलंद हो रही है, दुनिया भर के अंदर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस कार्यक्रम का। आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय वामन मेश्राम साहब के निमंत्रण पर ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस सिद्धांत के आधार पर यहां पर चुनाव आयोग के केंद्रीय कार्यालय पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह देश आपका आभारी रहेगा, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरीके से हमारे बीच में बहुत सीनियर मोस्ट लीडर है माननीय शरद पवार साहब। 2024 के बाद में एक बहुत बड़ी क्रांति, एक भूचाल आने वाला है भारत की राजनीति में। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जिस तरीके से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने देश को, संविधान को खतरे में डालने का काम किया है, इस आवाज को दबाने का जो काम किया है, ये आवाज अब दबने वाली नहीं है। ये जंतर मंतर जहां पर लोगों को आने नहीं दिया गया, किसानों को रोका गया, उनकी हत्याएं करवाई गई, आज वही जंतर मंतर के ऊपर में न केवल भारत के कोने कोने में ये आवाज गूंज रही है, दुनिया के सैकड़ों कंट्रियों के अंदर में आज यहां से आवाज बुलंद हो रही है, दुनिया भर के अंदर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस कार्यक्रम का। साथियों, इस तरीके से आज हमारे बीच में माननीय शरद पवार साहब, माननीय वामन मेश्राम साहब, बहुजनों के महानायक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम हमेशा आप लोगों का आभार व्यक्त करेंगे और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आपके बीच में हमारे सीनियर मोस्ट लीडर आदरणीय शरद पवार साहब को कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय शरद पवार साहब जिंदाबाद। हम सबके साथी वामन मेश्राम जी, मंच पर बैठे सभी नेता थे, हम ठंड हो या बारिश हो, मस्जिद से यहाँ खड़े हुए बैठे हुए आप जैसे बहादुर साथी हो, आज का जलसा देश का प्रजातंत्र बचाने का लिए है। इस देश में कई चुनाव हम लोगों ने देखे, चुनाव के बारे में आम जनता को कभी भी ये गलत रास्ते से काम हो रहा है ऐसी बात इनके मन में आई है। मुझे याद है 55 साल पहले मैंने चुनाव कॉन्टेस्ट करने का काम किया जिंदगी में पहली बार, और मुसाफिर द्वारा अपना वक्त हम डालते थे। इसके बारे में आशंका किसी के मन में कभी आती नहीं, मगर मोदी जी की हुकूमत आने के बाद एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ लाई, जिस टेक्नोलॉजी को ईवीएम कहते हैं, और देश का चुनाव का रिजल्ट इसमें कुछ जगह पर कुछ बदलाव देखने के लिए मिला। ये जो टेक्नोलॉजी है दुनिया के कई राज्यों में थी, कई देशों में थी, मगर यूरोप जैसे देश, अन्य देश, इनके सामने ये बात साबित हो गई कि इस टेक्नोलॉजी में सच्चाई नहीं है।
और इसलिए हिंदुस्तान के बाहर के कई देशों ने यह बंद कर दिया। यहाँ यह आशंका आप सब लोगों के मन में है, निर्वाचन आयोग इसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन सच्चाई से होना चाहिए। आम जनता के मन में कभी आशंका पैदा नहीं होनी चाहिए। परिस्थिति बदली, हमने कई राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग को खत लिखा कि ईवीएम के बारे में और इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, क्यों करने की आवश्यकता है, यह हम आपको दिखाने के लिए तैयार है। राजनीतिक दलों को आप मौका दीजिए, हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ चोरी सफाती कैसे हो सकती है। मगर इलेक्शन कमीशन ने हमें लिखकर इजाजत नहीं दी। उन्होंने उनका कहना क्या है वो लिखित द्वारा हम लोगों को भेजा, मगर मैं ये नहीं समझ सकता हूँ, जब देश के कई राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन को खाली समय मांगते हैं, हमें समय दे दो, हम दिखाने के लिए तैयार हैं, मगर ये संधि या अपॉर्चुनिटी इलेक्शन कमीशन ने दी नहीं। इसके पीछे किसके मन में क्या है मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मगर आज देश के सभी लोगों को, मतदाता को ये ईवीएम से भरोसा रही नहीं। और जब चुनाव की पद्धति इसके ऊपर भरोसा नहीं, तो देश की प्रदर्शन से आज न कल संकट में जाएगी। और आज मोदी जी की हुकूमत है ऐसे काम के समर्थन देते हैं, उनको चाहे वैसे चुनाव लड़ने की और तैयारी करने की नीति तय करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऐसे समय में देश को प्रजातंत्र को बचाना हो, जनरल देश को बचाना हो, तो मिलकर देश के आम नागरिकों ने, साथियों ने मिलकर ये ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। मुझे खुशी है, मुझे वामन राव वैष्णव जी ने 15 दिन पहले कहा कि ऐसा एक संघर्ष नीति कार्यक्रम हम जंतर मंतर में करने वाले हैं, तो हमने उनको कहा कि हम खुशी से आएंगे, आपके साथ रहेंगे, और आप जो काम करता है, आप जो करते हैं, इससे देश के प्रजातंत्र बचेगा। और इसीलिए सभी लोगों ने पूरी ताकत से उनको सहयोग देना चाहिए। इसका मैं कहता हूँ, आपकी इजाजत है तो सियान चैनल ना नोड़ता इरी, सब्सक्राइब आगी, लाइक माड़ी, शेयर माड़ी, मुक्त पत्रिकोद्यम बेंबल। नमस्कार।